देखिए, मैंने अभी कहा, कई मीडिया चैनल से मुझसे पूछा है, मैं यहाँ पे चुनाव अपने लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की वजह से जीतता हूँ, लड़ता हूँ। और जैसे कि आपने पूछा कि सीट कभी जीती नहीं है, मैं आश्वस्त हूँ और पूर्ण विश्वास है कि इस बार हरदोई में आठों की आठों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अखिलेश यादव का बयान है कि पहले और दूसरे चरण में उन्होंने एक शतक लगाया, दूसरे में जो है दूसरा शतक, और आखिर तक आते आते सातवें चरण तक जो है वो सरकार बना लेंगे। ये तो उन्होंने 14 में भी कहा था, 17 में भी कहा था, और 19 में भी कहा था, चलिए 22 में भी कह रहे हैं। ये तो जनता को तय करना है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन मैं पिछले चरणों की अगर बात करूँ, और जो मैंने देखा प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व के प्रति जो उत्साह है, हर चरण में भाजपा लीड ले रही है, और आखिरी में आते आते मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 300+ 300 से ज़्यादा सीटें भाजपा जीत के जा रही है। चौथे चरण का चुनाव है, ऐसे में लखनऊ में मयंक जोशी हैं, वो उनकी एक फोटो जो है अखिलेश यादव ने ट्वीट की, भारतीय जनता पार्टी की मंत्री उनके बेटे हैं, क्या असर पड़ेगा इसको लेकर? नहीं देखिए, वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, वो मैं क्या क्यों गए, किस लिए मिले हैं, वो खुद ही वो बताएंगे, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस इतना ही कहूँगा कि कोई फर्क किसी के जाने और आने से नहीं पड़ता है। भाजपा चुनाव मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में लड़ रही है। आतंकवाद तो एक बड़ा मुद्दा है, ये कोई भाजपा का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा, देश ही नहीं बल्कि विदेश इंटरनेशनल मुद्दा है। एक आतंकवाद से बहुत देश परेशान है, और इस पर जो काम केंद्र सरकार ने किया है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, आज आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। और जहाँ तक कि आप रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश सरकार ने अपने 4-5 साल के कार्यकाल में 4.5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया है। अगर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो 10 लाख से ऊपर जाता है, और ये एक फोकस भी है सरकार बनने के बाद। योगी जी ने भी कहा है कि एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा फोकस हमारा रहेगा, और हमारा काम इन 5 सालों में एम्प्लॉयमेंट पे ही करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पे ही होगा।